वो है पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, या हम इसको गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं। असल में ये जो पेप्टिक अल्सर है, ये अगर हमारे इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं, इस दीवारों के ऊपर मसल एक लेयर और उस मसल लेयर पर एच पायरी बैक्टीरिया नॉर्मली पाए जाते हैं, तो वो जो एच पायरी बैक्टीरिया है वो नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अब होगा क्या, जो लोग ज्यादातर एनसेड रहते हैं, यानी मेन वजह एनसेड, एनसेड एनसेड कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, तो जो लोग एनसेड लेते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है प्रोफिन, जैसे कि हमारे पास है इबुप्रोफेन, जैसे कि हमारे पास है प्रोनाबोल, जैसे कि हमारे पास है लोबिट, लोबिट वो लोग लेते हैं जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला हो, तो फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर ये लोग लेंगे तो फॉर अ लॉन्ग टाइम से होगा क्या, वो यहाँ इरिटेशन का असर और इस इरिटेशन से यहाँ इन्फेक्शन होगा और एच पायरी इस चीज़ के ऊपर हमला करेगा, तो इस इन्फेक्शन को और बढ़ा, तो जब इन्फेक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पर सूर बनेगा, तो इस सूर की कंडीशन को हम अल्सर कहते हैं। और ये हमारे पास पेप्टिकल से या गैस्ट्रिकल से, तो उसका जो मेन कॉज है वो हमारे पास है एनसेड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एनसेड ज्यादा लेते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक एनसेड नहीं लेना चाहिए, ये एनसेड जो है ये इरिटेशन का असर, तो एनसेड हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि एनसेड से अल्सर होता है। दूसरा जो हमारे पास, दूसरा हमारे पास जो कास है वो एच पायरी, यानी एच पायरी खुद है, जैसे कि मैंने आपको बताया एच पायरी बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है, एच पायरी बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है। अच्छा, पेप्टिक अल्सर का सिर्फ और सिर्फ दो वजह नहीं, बल्कि ये दो वजह जो है ये मेन वजह है, और भी वजह हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, जो लोग स्पाइसी फूड लेते हैं, स्पाइसी फूड से भी इरिटेशन होती है, उस इरिटेशन से पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। तो अब हमने इसको ठीक कैसे करना है, तो ठीक करने के लिए हमने सबसे पहले एनसेड यानी उस पेशेंट को भी बताया क्या एनसेड था और एनसेड आप कम से कम है, और अगर आप एनसेड भी ले लें तो एनसेड के साथ एक डिबिया यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो कि हेलिंग का भी काम करता है, जो कि एसिडिटी के लेवल को भी बरकरार रखता है। तो हमने एनसेड नहीं लेना है, ठीक है, साथ साथ हमने क्या करना है, हमने एच पायरी को इरिटेट करना है, तो एच पायरी की इरिटेशन हम कैसे करते हैं, एच पायरी को हम एंटीबायोटिक से खत्म कर सकते हैं, तो इसमें इस बीमारी में एक एंटीबायोटिक काम नहीं करता, क्योंकि एक एंटीबायोटिक से वो रेजिस्टेंस हो जाती है, वो इतना इफेक्टिव नहीं, तो हम इस कंडीशन में दो एंटीबायोटिक डाल दे सकते हैं, दो या तीन एंटीबायोटिक होते हैं ताकि वो इस एच पायरी बैक्टीरिया को खत्म कर सके, इसको इरिटेट कर सके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने इस पेप्टिक अल्सर यानी एच पायरी को खत्म करना है, तो हम कैसे इसका खत्म करेंगे, पेप्टिक अल्सर को हमने ही करना है, तो सबसे पहले हमने एसिडिटी को कम करना है, एसिडिटी को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो एसिडिटी को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, हमारे पास पीपीआई का मतलब है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ये बहुत इफेक्टिव, ये हमारे पास आते हैं एसोमेप्राजोल और ओमेप्राजोल हमारे पास है, लैंसोप्राजोल हमारे पास है, लैंसोप्राजोल और पेंटाप्राजोल, जो पेशेंट दिल के पेशेंट हो उनको अमूमन पेंटाप्राजोल दिया जाता है, पेंटाप्राजोल, और ये उस वक्त इफेक्टिव है जब आप इसको खाने से 30 मिनट पहले लें या एक घंटा पहले लें, तो जब हम खाने से एक घंटा पहले लेते तो ये बहुत इफेक्टिव है। इसका काम क्या, ये तो एक एसिडिटी को कम करता है, दूसरा हमें हीलिंग में मदद करता है, हीलिंग में, तो ये बाहर ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हीलिंग और एसिडिटी दोनों में काम करते हैं, ठीक है, दोनों में बहुत इफेक्टिव है, तो ये थोड़ा सा स्लोली हील करता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, हम हिस्टामिन ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए हिस्टामिन ब्लॉकर्स, हिस्टामिन ब्लॉकर्स में हमारे पास आ रहे हैं फेमोटाइडिन, फेमोटाइडिन, और हमारे पास आ रहा है सेमीटाइडिन, सेमीटाइडिन, और हमारे पास आ रहा है एमीटाइडिन,
ये सारे के सारे स्टेमिन ब्लॉकर्स के बारे में, ये जो स्टेमिन ब्लॉकर्स हैं ये भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं, ये स्लोली करता है और वो जल्दी ठीक करता है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है जितना हमारे पास ये प्रक्रिया है। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा, इसके साइड इफेक्ट इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यूज करोगे तो इससे बोन वीकनेस, इनके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होता है, इससे बोन वीकनेस हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ईयर पैक यूज करते हो तो इससे हमें बोन वीकनेस हो सकता है, लेकिन इसकी जो साइड इफेक्ट ये बहुत, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिज्म है प्रोपिटोग्रिन, प्रोपिटोग्रिन जो कि इंफार्क्शन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो प्रोपिटोग्रिन, तो ये प्रोपिटोग्रिन की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर वो पेशेंट जल्दी के पेशेंट इनको अगर आप ये दोगे तो इसके मेटाबॉलिज्म को इसको इनएक्टिव कर देगा, और साथ साथ में वारफेरिन इसको भी, वारफेरिन को भी इनएक्टिव करा दे, इसके मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी इफेक्ट करता है ये वाले सिमिटर या फेमोटर। तो प्रेगनेंसी में भी हम सिमिटाइटिन नहीं दे सकते, क्योंकि सिमिटाइटिन प्रेगनेंसी में फिटस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है, तो हम सिमिटाइटिन उसमें नहीं देते। तो ये जो प्रोपिटोग्रिन है और ये वारफेरिन है इनकी एक्टिविटी को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्लास इसकी वजह से गायनोकोम्पशिया हो सकता है, गायनोकोम्पशिया यानी चेस्ट साइज बढ़ सकता है, गायनोकोम्पशिया का मतलब है चेस्ट साइज, मेरे चेस्ट साइज बढ़ सकता है, अगर ये लोग ज्यादा इस फेमोटाइटिन या सिमिटाइटिन या मेटाइटिन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से गायनोकोम्पशिया हो सकता है। और एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं ग्लेक्टोरिया, ग्लेक्टोरिया ये जो ग्लेक्टोरिया है ये ऐसा कंडीशन है जिसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मिल्क प्रोड्यूस ज्यादा होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ग्लेक्टोरिया, तो फीमेल में खास तौर पर मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो इसलिए हम ये जो स्टेमिक ब्लॉकर से यहाँ इतना नहीं देते जितना उनकी क्या है। अच्छा, अब हमने यहाँ एच पायलोरी को हमने कैसे करना है, एच पायलोरी को हमने खत्म कैसे करना है कि हम एंटीबायोटिक खासतौर पर हमारे पास एक कैप्सूल एमोक्सिल, एमोक्सिल 5 mg की हम देंगे, बीडी, बीडी का मतलब है पाए, तो हम ट्वाइस डे सुबह शाम एक, तो सुबह शाम ठीक है हमने एमोक्सिल देने, एमोक्सिल के साथ एक और एंटीबायोटिक हम देंगे, और वो एंटीबायोटिक क्लासॉक्स हो सकता है लिवोफ्लॉक्सिस, अगर लिवोफ्लॉक्सिस नहीं देंगे तो क्लेरिसिन, क्लेरिसिन 5 mg की, क्या है क्लेरिसिन 5 mg की सुबह शाम, और इसके साथ साथ हम एक पीपीआई भी लेते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, जैसे कि हमारे पास कैप्सूल लाइजेंग 340 कैप्सूल, इसके जो जो कैसे मेप्रासोल है, नेक्सियम कैसो मेप्रासोल है वो भी दे सकते हो, ठीक है, रोजिन कैप्सूल हमारे पास आते हैं वो भी दे सकते हो, तो ये पीपीआई बहुत इफेक्टिव है, तो हम पीपीआई के साथ दे सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिपल थेरेपी है, इसको कहते हैं ट्रिपल थेरेपी, ये तकरीबन 70% इस एच पायलोरी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 70% नहीं बल्कि 90% या 99% हमारे पास ये एच पायलोरी खत्म हो तो हम इसके साथ हम क्वाड्रिपल करते हैं, उसको कहते हैं क्वाड्रिपल, क्वाड्रिपल में हम एक और फ्लैजेल क्या है एक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट जिसको कहते हैं फ्लैजेल, तो टेम्पलेट फ्लैजेल हम देते हैं, मेट्रोजिल फ्लैजेल फ्लेक्स के नाम से भी आ सकता है, तो ये फ्लैजेल की डे समय यानी सुबह शाम दोपहर तीन टाइम साथ साथ में फ्लैजेल देते हैं, तो ये 14 दिन का कोर्स, 14 डेज का कोर्स, तो आप 14 डेज या 20 डेज तक ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक सिर्फ भी देते हैं उसका नाम है अल्सामिक, हम अल्सामिक सिर्फ भी दे सकते हैं, मेडिचल जिसका फार्मूला है परफेक्ट, क्योंकि ये हीलिंग में बहुत काम करता है, ये हीलिंग में सबसे इफेक्टिव है, तो हीलिंग के लिए हम अल्सामिक भी दे सकते हैं, दो चार तीन टाइम। अच्छा, एक और चीज़ हमने पढ़ा अगर मेसोप्रोस्टोल, ये मेसोप्रोस्टोल प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, इससे बच्चा ज़ाया हो सकता है मेसोप्रोस्टोल, लेकिन ये मेसोप्रोस्टोल
हीलिंग में बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए तो आप अपने साथ जो कि आप टेक कर लो ज्यादा, उसमें हमारे पास डिक्लोफेनेक सोडियम वो भी मिक्स है और जो कॉस्टो भी, ताकि साथ साथ इरिटेशन भी हो और साथ साथ हीलिंग, तो ताकि हमें एच पायरो से भी बचा सकें। तो यहाँ तक हमारे पास था प्रैक्टिकल सर और गेस्टिकल सर के बारे में हमने पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट उसके बारे में पढ़ेंगे।